क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। वर्ल्ड कप 2019 के लिए सेमीफाइनल की लाइनअप तय हो गई है। इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत के साथ ही टॉप 4 टीमें फाइनल हो गई है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और न्यूजीलैंड की हार के साथ ही पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से पूरी तरह बाहर हो गई है। अब बांग्लादेश के खिलाफ जीते या हारे पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर पैक हो गया है। अब पाकिस्तान टीम दूसरों के भरोसे थी और दूसरों ने ही पाकिस्तान की लुटिया पूरी तरह डुबो दी, लेकिन पाकिस्तानी इस हार के बाद पागल हो गए हैं। न्यूजीलैंड के साथ ही भारत को भी बुरा भला कहने लगे, यहां तक कि न्यूजीलैंड को पैसे देकर जानबूझकर हराने का भी आरोप भारत पर जड़ दिया। तो आप भी इंडियन फैन हैं तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आखिरकार बाहर हो गया है। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद पहले भारत पर थी तो फिर न्यूजीलैंड पर, लेकिन पहले भारत ने इंग्लैंड से हारकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया तो फिर न्यूजीलैंड ने भी इंग्लैंड से हारकर पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। अब फाइनली पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई तो पाकिस्तान में हंगामा मच गया, बवाल हो गया, हाहाकार हो गया। पाकिस्तानी दिग्गज खिलाड़ी भी सब कुछ भूलकर बेहद गंदी हरकतों पर उधर आए। पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर अब्दुल रजाक ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सबने मिलकर साजिश रची और पाकिस्तान को मिलकर वर्ल्ड कप से बाहर किया गया। वहीं अपने कमेंट्स के जरिए चर्चाओं में आने वाले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली तो यहां तक कहने लगे कि भारत अपना मैच तो हार गया, साथ ही साथ बीसीसीआई और मोदी ने अपने पैसे की ताकत का इस्तेमाल करके न्यूजीलैंड को भी हारने के लिए कहा ताकि पाकिस्तान बाहर हो जाए, और भारत के ही कहने पर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से मैच हार गया। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी और दिग्गज वसीम अकरम ने भी न्यूजीलैंड की करारी हार पर सवाल उठाए। वसीम अकरम ने कहा कि शानदार खेल रही न्यूजीलैंड की टीम का इस तरह से बुरी तरह हारना गले नहीं उतरता, क्या सब कुछ ठीक था। वहीं भारत की हार पर सवाल उठाने वाले वकार यूनिस ने भी न्यूजीलैंड की हार को अप्रत्याशित बताया और दुख जताया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर। अब भले ही पाकिस्तानी कुछ भी कहें, लेकिन सच तो यही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो गया है और उनकी हालत अपने बाल नोचने जैसी हो गई है। तो आप भी वीडियो को शेयर करें, साथ ही पाकिस्तानियों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।